क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सौंठ चाट लें या थोड़ी सौंठ खा लें तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है। नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सौंठ या अदरक, सौंठ इस्तेमाल करते हैं तो सौंठ, नहीं तो अदरक, उसके साथ ले। फिर आगे बागभट्ट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है, गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए, तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है, और जौ है, जवारी है, जवारी आप समझते हैं, ज्वार, ज्वार। तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा, जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता, मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहाँ रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहाँ से। मजबूरी कैसी, कच्छ में सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है, स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं यहाँ पर चेन्नई में। गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं। ज़्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहाँ होता है वो सबसे अच्छा है। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन में। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूँ, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए, जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूँ। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। कारण मैं बता चुका हूँ कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज़ है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए, कितना पानी पिएं, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना, और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना जी। ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए। और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से, कुछ ने तो शायद शुरू भी किया है 2-3 दिन से, जरूर पालन करें। हो सकता है कि 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करें। क्यों, मैं आप सबको बागभट्ट का चेला बनाना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने 6 साल में लिया ये साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए। क्यों, आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्थ रह ही सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को भी रख सकते हैं। और बागभट्ट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वही मोक्ष का भागी है, माने भागीदार हो सकता है।
तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें, वहां भी हम यही करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, देश भी अच्छा हो जाएगा। ये कहकर मैं अब प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न मेरे पास भरपूर आ चुके हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि जो प्रश्न एक बार उत्तर आ गया उसको दोबारा नहीं दूंगा, हो सकता है किसी व्यक्ति ने वो प्रश्न रिपीट किया। ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो रोगों से संबंधित हैं, इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सबसे आसान मानता हूं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें। मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दोहराऊं, आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं वो ये, जिनको भी डार्क सर्कल है सवेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है मुंह का लार है इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें, आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं, खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को 4 बजे मिलें, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज खुजली दाग धब्बे सब मिटा देंगे, वो व्यक्तिगत है। नींद बराबर नहीं आती, नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था, रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोएं, गाय का घी हल्का गर्म करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा, बहुत खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींच कर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं, फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं, अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं, कम से कम रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है नींद खुल जाती है, घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी, 6, 6.5, 7 घंटे के बाद ही खुल। और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फायदा होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो अब एक ही कागज पर ये 3 प्रश्न थे, तीनों उत्तर दे दिए, अब आगे जिस कागज में ये प्रश्न आएंगे उत्तर नहीं दूंगा। अभी है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव, अस्थमा, पेट की कब्जी, और इसमें भी फिर आ गया है त्वचा का कालापन, वो मैं उत्तर दे चुका हूं। अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर हाई है, वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर कोई कह रहा है कि आपका बीपी हाई है तो समझ लीजिए, इसको बागवती जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय चीज खाएं, क्षार चीज खाएं, क्षार। अब क्षार वाली चीजें क्या हैं, सबसे अच्छी क्षार की चीज है मेथी, सब्जी के रूप में भी और दाने के रूप में मेथी। दूसरी क्षार वाली चीज है, आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं, गाजर। तीसरी क्षार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, सेब ये क्षारीय है, केला ये क्षारीय है, अमरूद ये क्षारीय है, कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है ये सब क्षारीय है। सब्जियों में पालक क्षारीय है, बैंगन क्षारीय है, आलू के बारे में कहते हैं ना अम्लीय ना क्षारीय, वो बीच का है। तो जो सब्जियां आपको क्षारीय हैं और जो
मसाले माने औषधियां छारी, इनका उपयोग करें तो अम्लता